दोस्तों, मेरा नाम है विश्वजीत साहू और मैं आज स्टैंडिंग के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के टॉपिक ये है, मैं आज स्टैंडिंग का सेकंड एक्सरसाइज ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में आपको बताने आया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो स्टैमरिंग के ब्रीथिंग एक्सरसाइज को बोलने से पहले मैं आज अपने बारे में कुछ और बता दूं कि आज मैं स्पीच थेरेपी लेने के कारण मेरी स्टैमरिंग बहुत ओवरकम हुई है। और उसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूं, अगर आप स्टैमरिंग हो तो वर्ड्स को आराम से बोल के, मतलब जैसे हम एक ही साथ में 20 वर्ड बोलते हैं ना, वो 20 वर्ड को ना बोल के आप 6-7 वर्ड को ही बोलो और एक छोटा सा सांस लो और उसके बाद सांस को छोड़ो, तो वर्ड्स को स्टार्ट करना, फिर वो वर्ड को स्टार्ट करना करिए। तो इससे आपकी स्टैमरिंग और जो ब्रीथिंग है ना, वो बहुत ठीक रहता है। तो अभी के लिए मैं वीडियो को ज़्यादा नहीं करूँगा लंबा, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ कौन कौन सा मैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज करता हूँ। जिस ब्रीथिंग एक्सरसाइज को मैं फॉलो करके ठीक हुआ हूँ, तो मैं आपके सामने वो वाले एक्सरसाइज लेके आ रहा हूँ। तो ये रहे मेरे ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग का मेन मतलब ये होता है कि सांस को अंदर लेके बाहर छोड़ने का। तो मैं ज़्यादातर ये करता हूँ, नाक में सांस लेता हूँ और यहाँ से सांस, मतलब मुंह से सांस बाहर निकालता हूँ। ये भले एक्सरसाइज आप 20 से 30 बार ही मतलब आराम से कर सकते हो। इसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज है ना, मतलब सांस पूरा अंदर पूरा फुला के ना मुंह से बाहर निकालना, ऐसे फुला के। ये भी एक्सरसाइज आप 20 से 30 बारी कर सकते हो। एक और है कि ये थर्ड एक्सरसाइज जो है ना, इसमें हमने करना है शंख बजाना है, शंख। इसमें शंख फूंकने से जैसे हमें एनर्जी पूरी अंदर से लगती है ना, तो इसको ये वाला एक्सरसाइज करने से आपकी पूरी एनर्जी अंदर से लगेगी। तो ये था मेरा थर्ड एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज में ये है कि वोकल कॉर्ड का एक्सरसाइज होता है, जैसे मतलब आप अपने हिसाब से ना वॉइस को ऊपर नीचे आराम से मतलब कर सकते हो। तो ये और भी, तो फोर्थ एक्सरसाइज हो गया। अब फिफ्थ एक्सरसाइज में मैंने ये किया फॉलो कि सांस को मतलब कहाँ कहाँ पे रोकना है, कहाँ कहाँ पे मतलब छोड़ना है। तो फोर्थ एक्सरसाइज में अपना ही वोकल कॉर्ड करता हूँ मैं। जैसे ये एक्सरसाइज में ये होता है कि हमने एक ही साथ में 20 वर्ड को नहीं बोलना होता, 6-7 वर्ड लिए, उसके बाद अभी मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ उसके बाद बीच में एक सांस ले रहा हूँ। तो आप भी ऐसे मतलब करके ठीक हो सकते हो। तो ये थे कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज मैं जो हर रोज़ करता हूँ और आगे भी मतलब करता रहूँगा। इस चीज़ को, ये सारे एक्सरसाइज करने के कारण ही मैं अपने स्टैमरिंग को बहुत ठीक मतलब कर सकता हूँ। तो अगर आप भी अगर ये सब चीज़ को फॉलो करके अगर ठीक हो सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप स्पीच थेरेपी लेना चाहते हो तो वो भी और अच्छी बात है, क्योंकि हम ना एक्चुअली स्पीच थेरेपी में जो जो हमें बात बोलते हैं कि आप इसको मतलब फॉलो करिए, तो उस टाइम हमारा ध्यान बहुत जाता है। तो मैं आज जो भी हूँ सारा कुछ स्पीच थेरेपी के कारण हूँ, आज मैं बहुत से वर्ड पे नहीं अटक रहा। तो आई थिंक आपको ये मेरी वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो कुछ जरूर लाइक करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। और आगे के मोटिवेशनल वीडियो और स्टैमरिंग की वीडियो की अन्य कोई वीडियो देखने पर मेरे चैनल पर हर टाइम बने रहिए। मैं एक्चुअल में ज़्यादातर तो अब ये सोचता हूँ कि मोटिवेशनल ही वीडियो के बारे में और बनाया जाए, जैसे हो गया मेडिटेशन के बारे में, कुछ भी टॉपिक हो जाए, जैसे हम कहीं पर जाते हैं कैसे बोलने का। तो इस चीज़ के बारे में भी मैंने बहुत सा सोचा है कि आगे के टाइम आने पर ना मैं अपने साथ ही ऐसे तरह की वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू, थैंक्स अलो, आप सबका प्यार ही है कि मैं इतना अच्छा बोल पा रहा हूँ। तो थैंक्स टू अलो।